जब से शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री बनाए गए हैं, तब से ही वो लगातार कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए क्या बेहतर किया जाए उस पर फोकस कर रहे हैं। बीते दिन शिवराज ने दिल्ली में एक बैठक के बाद कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज अनुदान के निपटान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष को पीएम मोदी द्वारा 1,00,000 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ लॉन्च किया गया था, ताकि फसलों के भंडारण की क्षमता बढ़ाई जा सके। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आप सब जानते हैं, डबल इनकम करने के कई कदम उठाए गए हैं और कृषि में अनेक तरह के प्रयोग हो रहे हैं। कुछ प्रयोग किसान स्वयं कर रहे हैं, कुछ प्रयोग विज्ञान कर रहा है, उनको हम नीचे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भी उसका आधार अभी है और बन सकता है, लेकिन किसान भाषण से नहीं करता, किसान देख के करता है। अगर उसने देखा कि इनने बहुत अच्छी पासा जी ने बांस में कोई चमत्कार किया है, तो फिर वो बांस उगाने पे सोचेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज तक कृषि अवसंरचना कोष के तहत 67,871 परियोजनाओं के लिए 43,000 करोड़ पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। 72,000 करोड़ के निवेश को जुटाया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक ब्याज सबवेशन दावों के त्वरित निपटान की उम्मीद कर सकते हैं। बता दें कि शिवराज की कृषि मंत्री का पदभार संभालने के बाद से ही वो काफी एक्टिव हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अंबिता।